हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एलिजिबिलिटी मात्र 10th पास रखी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी जो है आर्मी में आ रखी है, आर्मी टेस्टमैन मेट और फायरमैन की वैकेंसी है 2023 के लिए। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसमें समझते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा टेस्टमैन मेट की बात करते हैं। टोटल जो वैकेंसी इसमें रखी गई है वो रखी गई है 1793 वैकेंसी। अब ट्रेड्समैन की बात कर लीजिए तो इसमें देखिए 1249 वैकेंसी टोटल हैं, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी से 508, ओबीसी से 337 और ईडब्ल्यूएस की 124 हैं, एससी की 137 हैं और एसटी की यहाँ पे 93 हैं। ये आपकी ट्रेड्समैन की हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि एलिजिबिलिटी जो है ये आपकी मात्र 10th पास मांगी गई है इसमें, लेकिन यहाँ पर जिसका जो फिजिकल है वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि आपका जो फिजिकल है वो 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रनिंग इसी कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर 50 किलो का वजन उठाना है आपको और 200 मीटर जाना है मात्र 100 सेकंड में। ठीक है, ये मेल के लिए है। मेल के लिए क्या है, आपको 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में जाना है और उसके साथ साथ 50 किलोग्राम का आपको वजन उठाना है और 200 मीटर जाना है 100 सेकंड में। अब यहीं पर अगर फीमेल्स की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो 1.5 किलोमीटर है वो इनको 8 मिनट 26 सेकंड में कंप्लीट करना है और 50 केजी का वेट उठाना है इनको और 200 मीटर ही जाना है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए समय थोड़ा सा ज्यादा है कि 3 मिनट 45 सेकंड में इनको ये चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये फिजिकल क्राइटेरिया हो गया, बिल्कुल ग्रुप डी की तरह है। ग्रुप डी में आपको 35 किलो उठाना होता है और इसमें आपको यहाँ पर 50 किलो उठाना है, जो काफी ज्यादा है। अब इसी में वैकेंसी जो 1793 है, इसी में आपके एक फायरमैन की वैकेंसी भी इसी के साथ में निकाली गई। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 544 वैकेंसी है। आप जनरल में देखिए तो इसमें 222 वैकेंसी हैं और ओबीसी में 147 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की इसी तरीके से 54 आ जाती हैं, एससी कैटेगरी है तो आप 81 हैं, एसटी के यहाँ पर आपको 40 वैकेंसी देखने को इस बार मिल रही हैं। आप इसकी एलिजिबिलिटी देख लेंगे दोस्तों, आप इसमें भी 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 10th पास के लिए है। अब जो हाइट इसमें मांगी गई है जो फायरमैन के लिए, ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका चेस्ट जो है वो 81.5 से लेकर के 86 तक एक्सपेंड करने के बाद होना चाहिए। अब मेल की यहाँ पे जो रनिंग रखी गई है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में रखी गई है फायरमैन के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे 1.6 किलोमीटर भी इसमें रहने वाला है, यानी कि 8 मिनट 26 सेकंड इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है देख सकते हैं कि ट्रेड्समैन और फायरमैन की वैकेंसी है। फिजिकल आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इसमें ट्रिक पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो आपका फॉर्म स्टार्ट है वो फिलहाल यहाँ पे 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 26 फरवरी तक आपको इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो मात्र यहाँ पर आपको कुछ ही दिन 20 दिन का समय दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज देख ले, फॉर्म फीस कितनी होने वाली है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नील है, किसी भी कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल सबके लिए यहाँ पर इस बार जीरो फीस रखी गई है। तो आप इसको किसी वेबसाइट से जाकर के, या सरकारी रिजल्ट हो गया या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास तो सभी लोग होंगे तो इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके निकल कर सामने आई हुई है। तो दोस्तों इसके एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसके एग्जाम में आपको सिलेबस क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो इसमें रीजनिंग जो रखी गई है वो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर 50 मार्क्स का होगा, इसी तरीके से आपका जो मैथमेटिक्स है इसके भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 25 मार्क्स का ये भी रहेगा, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस या फिजी के ये आपके 50 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल जो पेपर है आपका वो 150 नंबर का होगा और यहाँ पर जो मार्क्स रखे जाएंगे वो भी आपके 150 होंगे। ठीक है, तो 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। डेट अभी इसकी डिसाइड नहीं है, वो बाद में डिसाइड करी जाएगी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब यहाँ पर आपको जो समय मिलने वाला है 150 क्वेश्चन के लिए वो मिलेगा 2 घंटे का। अब इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है, वो कितनी रखी गई है, 0.25 कहें या फिर इसको 1/4 कहें, तो इतनी माइनस मार्किंग इस बार इसमें रखी गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको इसकी स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करें। 10th पास है, आपका सिलेबस भी सामने है, आप अगर आपका फिजिकल अच्छा है, रनिंग अच्छी है, तो आप इसके लिए जरूर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।